दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं एक छोटा सा जानकारी लेकर आया हूं इंडक्शन कुकर के बारे में। और देख सकते हैं मेरे पास एक बजाज कंपनी का इंडक्शन कुकर है। और दोस्तों इसमें एक फॉल्ट है कि इसका जो पैनल है, दोस्तों इसका जो पैनल है टच वाला है, और यह दोस्तों ख़राब हो चुका है। और मैंने इसमें एक अलग से दोस्तों मार्केट में मिलने वाला पैनल जो है इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है तो ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से मार्केट से दोस्तों परचेज करके और इसे इंस्टॉल किया हुआ है। और आप करीब लगभग 400 रुपए के आसपास दोस्तों यह हमें मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों यह टच नहीं है, इसे जब हम प्रेस करेंगे तभी दोस्तों इसका बटन जो है तो काम करेगा। और देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार से कुछ इसमें बटन दिया गया होता है। और अब दोस्तों मैं इसे चालू करके भी आपको दिखाता हूँ कैसे यह वर्क करता है। तो दोस्तों मैंने इसे पावर दे दिया है और अभी यह स्टैंड बाय में है। और इस बटन से दोस्तों, ये रेड बटन से मैं इसे प्रेस करूंगा तो दोस्तों देख सकते हैं यह चालू हो चुका है। और अभी दोस्तों इसमें E0 आ रहा है, मतलब कि दोस्तों इसमें किसी प्रकार का बर्तन नहीं रखा गया है। और दोस्तों इसके ऊपर कोई मैं स्टील वाला प्लेट रखता हूँ जिससे दोस्तों यह ऑन हो सके। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख दिया है और यह चालू हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं। और आप इस प्रकार से भी कभी दोस्तों इंडक्शन का पैनल ख़राब होता है तो आप मार्केट से इसे परचेज करके और दोस्तों इंस्टॉल कर सकती हैं। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।